नोएडा से तंग कर देने वाली लूट की घटना सामने आई है। मामला सेक्टर 122 का है, जहां लुटेरों ने एक नए अंदाज में लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने साधु के रूप में किन्नर के घर लूटपाट की। सुनने में कुछ अजीब लगता है, लेकिन ये सच है। पीड़िता किन्नर का कहना है, उसके घर पेटी और ढोलक बजाते हुए 8-10 साधु आए। तीन उन्होंने उससे उसका नाम पूछा और फिर पानी मांगा, जिसके बाद पीड़ित किन्नर पानी लेने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके सिर पर जोरदार वार हुआ। वो किन्नर कुछ भी समझ पाता उससे पहले ही साधु के भेष में घुसे लुटेरों ने उसे चाकू मारकर घायल कर दिया और लूट वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। तो मैं पानी पिलाने के टाइम जब पानी अंदर लेने गई तो मेरे सिर पे कुछ मारा, मैं बेहोश हो गई। फिर मुझे होश ना रहा क्या हुआ मेरे साथ, पर मेरे बाल पकड़े थे किसी ने और यहाँ सिर में चोटें लग रही थोड़ी सी, कुछ मारा था, बस इतना ही होश, मुझे कुछ याद ना आया। और उसके बाद में फिर आपको क्या पेट में आई तो मेरे पेट में चाकू लगा हुआ था और सांस ना आ रहा था, खून ही खून देख रहा था, तो मैं बेहोश हो गई। फिर वही किन्नर गुरु का कहना है कि पड़ोसियों की सूचना पर जब वो घटना स्थल पर पहुंचे तो चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। उनके मुताबिक अलमारी में रखे 2 लाख नकदी और 5 तोले सोना लुटेरों ने लूट लिया, जिसके बाद उन्होंने मामला थाने में दर्ज करा दिया। उम्र कितनी है इनकी? उम्र इसका ज्यादा था 17-18 साल। तो टोली पे गए हुए थे अपने फ्रेंड, उसको छोड़ गई थी मैं अपने चेले को नहीं यहाँ पे, तो आन के दे फोन आया यहाँ पे पड़ोसियों का, तो उन्होंने बताया तुम्हारे यहाँ ऐसे ऐसे हो गया, चोरी भी हो गई, उसके चक्कू भी मार के चले गए। तो हमारा क्या बताया मतलब कि कौन लोग थे, कौन बाबा के रूप में आए थे वो 8-10 लोग बता रहे हैं, वो लोग आए थे। फिर अब उस हमारी जो है वो वहाँ पर हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है उसको। साधु के भेष में घुसे लुटेरों ने जिस तरह से घटना को अंजाम दिया, उसके बाद से इलाके में दहशत का माहौल है। बहरहाल मामले पर पुलिस जांच कर रही है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इन साधु रूपी लुटेरों को कब तक गिरफ्त में ले पाती है। नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।